और पूर्वी क्षेत्र को विकास के थ्रस्ट एरिया के रूप में पहचान कर जो विशेष प्रयास किए हैं इसकी भी बात मैं करना चाहूंगा। मित्रों, मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 में हुआ। 56 के पहले विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल स्टेट, वहां पर भी कांग्रेस का शासन था और 50 से 2003 तक 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या बिरुद मिला? तो एक बीमारू राज्य का बिरुद मिला। 1980 के दशक में एक जाने माने आर्थिक विश्लेषक श्री आशीष बोस ने राजीव गांधी जी को एक पेपर प्रस्तुत किया था। उन्होंने इसमें बीमारू शब्द का प्रयोग किया था और बीमारू शब्द का प्रयोग किया था उस उद्देश्य से किया था कि पूरे देश की ग्रोथ रेट को, विकास दर को अगर कोई 4 राज्य नीचे ला रहे हैं तो ये बीमारू राज्य ला रहे हैं। और बीमारू राज्य का शब्द प्रयोग 4 राज्यों के पहले अक्षर से लिया गया था, बिहार, संयुक्त मध्य प्रदेश जो आज का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य देश की विकास दर की नीचे लाने के लिए जिम्मेदार है, ऐसा आशीष बोस जी ने एक पेपर के अंदर इसको रखा था। और तब यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय सभी विकास दर के मानक तय करने वाली सभी एजेंसियों में ये 4 राज्यों को राइट ऑफ स्टेट कर उल्लेख किया जाता है कि इसमें कुछ सुधर ही नहीं सकता है। ये 4 राज्य राइट ऑफ स्टेट माने जाते हैं और वो सभी सर्वेक्षणों ने भी ये बीमारू राज्य को भारत के ग्रोथ की बाधा के रूप में वर्णित किया गया। 2003 में श्रीमान बंटाधार की सरकार को हटाकर मध्य प्रदेश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। उमा भारती जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद उमा भारती जी, बाबूलाल जी और 2005 से अब तक श्रीमान शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये बीमारू शब्द से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। बीते 20 साल गरीबी से मुक्ति का सुवर्ण काल मध्य प्रदेश में साबित हुआ है और आगामी 25 साल में संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की नींव डालने का काम ये 20 साल के अंदर हुआ है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की नींव डालने का भी काम हुआ है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास हो, इरिगेशन का रकबा हो, कृषि विकास हो, युवाओं के लिए पढ़ाई लिखाई के सभी आयाम मध्य प्रदेश में ही उपलब्ध करने हो, अपनी स्वभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करनी हो, हर दृष्टि से एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का, एक नींव डालने का काम ये 20 साल में हुआ है। और मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। जो मध्य प्रदेश कभी बीमारू कहा जाता था उसको अब बेमिसाल विकास का राज्य कहा जाता है। जो कभी बंटाधार माना जाता था वो आज हर क्षेत्र में बुलंदियों पर खड़ा है। हर क्षेत्र को पिछड़ा माना जाता था, आज विकास के दृष्टि से हर पैरामीटर में मध्य प्रदेश आगे दिखाई पड़ता है। और कभी जिसको बर्बाद कर राइट ऑफ किया गया था
वो आज समृद्ध और खुशहाल राज्यों की श्रेणी में आया है। 20 साल में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सुशासन और कानून और व्यवस्था, ये सारे पैरामीटर्स के अंदर आमूल चूल परिवर्तन किया है। चाहे बुंदेलखंड हो या बघेलखंड, निमाड़ हो या मालवा, ग्वालियर चंबल हो या महाकौशल, भोपाल से लेकर प्रदेश की हर चौपाल तक खुशहाली और विकास को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इस 20 साल में 10 साल डबल इंजन की सरकार है। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी ने मध्य प्रदेश को काफी कुछ दिया है, मन खोल कर दिया है और मध्य प्रदेश की जनता ने भी मोदी जी के हर पहल का जवाब झोलियां भर भर कर वोटे देकर सीटें देकर निभाया है। 2014 में 29 में से 27 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीती, 29 में से हम 28 सीटें जीते और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं एक सीट की कमी है, 2024 में भी वो एक सीट की कमी भी मध्य प्रदेश की जनता हम पर कृपा कर पूरी कर देगी, इसका मुझे विश्वास है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया हूं कि अगला चुनाव है वो बंटाधार की ओर से विकसित मध्य प्रदेश बनाने का चुनाव है, बीमारू की ओर से सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए मध्य प्रदेश को बनाने का चुनाव है और आगामी चुनाव गरीबी से संपूर्ण मुक्ति का चुनाव है। मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर शिवराज जी ने जिस प्रकार से मोदी जी की हर योजना को नीचे पहुंचाया है, वो आने वाले समय में ये नींव पर हम एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करने जा रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता की आशीर्वाद की हम कामना करते हैं। मोदी जी के समय में 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों का, भारतीयों का जीवन स्तर उठाने का काम हुआ है। 14 करोड़ लोग यानी 10 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं और आजादी के बाद ऐसा समय कभी नहीं आया कि 10 साल के समय में 10% लोग, आबादी के 10%, गरीबों के नहीं कहता, गरीबों की गिनेंगे तो 15%, 10% लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं और इसीलिए मोदी जी को गरीब कल्याण का पुरोधा मानते हैं गरीब, और इसका मैक्सिमम फायदा जो 2-3 राज्यों को मिला है उसमें से एक हमारा 9 करोड़ की आबादी वाला मध्य प्रदेश है और उन्होंने हर क्षेत्र में प्रगति की है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में, हमारे अगले 2 मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में, मगर बड़ा कालखंड शिवराज जी का है, शिवराज जी के नेतृत्व में ढेर सारे परिवर्तन किए थे और मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि दाए बाए भड़काए बगैर श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इन चीजों का स्पेसिफिक जवाब दे कि 2002 में आपने बजट का कुल आकार 23,100 करोड़ पर छोड़ा था, हमने इसको 3,14,000 करोड़ पर पहुंचाया है और ये वृद्धि का दर समग्र देश में 2 नंबर पर है, इसका जवाब कांग्रेसियों ने देना चाहिए। प्रदेश का शिक्षा का बजट 2,456 करोड़ से 38,000 करोड़ पर पहुंचा है। जिस प्रदेश की सरकार बजट में शिक्षा पर उचित भार न रखे वो नए प्रदेश का निर्माण, विकसित प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस चीज को पहचान कर इसको अमल में लाए है। स्वास्थ्य का बजट लगभग 580 करोड़ था, आज 16,000 करोड़ पर स्वास्थ्य का बजट करा है और मोदी जी की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना इसके अंदर नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान का बजट जो प्राथमिक शिक्षा को इंगित करता है 844 करोड़ से 7,000 करोड़, लगभग 6,650 करोड़ और मध्यान्ह भोजन को गिन ले तो 7,000 करोड़ को क्रॉस किया है। एससी, एसटी और ओबीसी का बजट बंटाधार जब छोड़कर गए तब केवल और केवल 1,056 करोड़ था और मैं चाहूंगा कि
तो आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, उनका संबोधन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में वो मौजूद है और आगामी चुनावों के मद्देनजर ये दौरा उनका बहुत खास माना जा रहा है। Z News.